हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एनवी के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आपको दिखाते हैं एक और नया फ़ोन जो कि है रेडमी नोट सीरीज़ का अगला सक्सेसर यानी कि रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका क्विक हैंडसन एक्सपीरियंस, आप लोग को इसका पूरा डिटेल्स देंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स क्या है, क्या वर्जन है, रैम का क्या स्टोरेज स्पेस है और क्या प्राइस है, सब डिटेल बताएंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि बता था कि आज हम लोग के पास है ये डिवाइस द रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। और ये कुछ आपको इस तरह का दिखता है कि इसमें आपको दो खींचा कलर आते हैं। एक कलर आपको है ये वाला द लेदर बैक फिनिश, वीगन लेदर का फिनिश है जो कि कुछ इस तरह का देखने में आपको मिलता है। और इसमें आपको पीछे में ये दो कैमरा दिए हुए जो कि एक 200 मेगापिक्सल का सैमसंग आईसेल का सेंसर है। ऊपर में आपको वही ये आईआर ब्लास्टर और माइक दिए हुए हैं। इधर साइड में आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर है। और ये क्या पावर बटन है क्योंकि इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे में आपको यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट दिया, टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट, ये सिम ट्रे और ये माइक है। इसमें कोई भी 3.5 mm का जैक नहीं दिया हुआ है। और इसमें आपको दो और कलर भी मिल जाते हैं जो कि एक पूरा ब्लैक कलर है जो कि ये ब्लैक कलर में आता है। और एक और जो है दूसरा कलर वो है ये वाइट कलर का। तो ये तीन कलर जो है आपको रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया तीनों कलर्स। अब आते हैं इसका मेन, इसमें जो फीचर्स है तो इसमें जो है आपको 1.5K का 120 हर्ट्ज का ये एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और ये आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इसमें जो बेजल्स है वो भी आपको काफ़ी पतले बेजल्स है, बहुत ही थिन बेजल्स है, तो ये भी काफ़ी सही है। और आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट भी है। और अभी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा कि इसका वाटर टेस्ट भी किया था, इसको पानी में डाल के कि कैसा ये हुआ है। और फ्रंट में यहाँ पर आपको ये छोटा सा कैमरा दिया हुआ है। और बैक में जैसे कि मैं बताया कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा जो कि सैमसंग का आईसेल कैमरा है। और इसमें जो है आपको 4x डिजिटल जूम है और इसमें OIS प्लस EIS भी है। ओके, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि अभी हम लोग ने इसका रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G का अभी वाटर टेस्ट किया। इसका दूसरा जो कलर था वो जी ब्लैक कलर है, जो ब्लैक कलर है इसके साथ हम लोगों ने इसका अभी टेस्ट किया था। तो हमने अभी देखा तो मैंने इसका वाटर टेस्ट किया है। और ये तो एक वाटर टेस्ट है, तो हाँ इसमें वाटर प्रूफ तो नहीं बट आपका इसमें हाइड्रोफोबिक स्क्रीन से कहा इसमें वाटर बबल स्टे नहीं करता, फूल भी जाता बट हाँ वाटर प्रूफ। इसमें केवल IP68 वाटर रेटिंग है जिससे कहा ये पानी से ये बटन टपेज होता है तो पानी से खराब नहीं होता है। और फिर अगर आते हैं इसका सेटिंग्स पे यानी इसका सॉफ्टवेयर पे, तो इसमें अभी करेंटली जो है MIUI 14 का ही वर्जन दिया, MIUI 14.0.1। बट ये आपका जब जैसे इसमें अभी Xiaomi का हाइपर OS आएगा तो वो आपको जो है हाइपर OS पे अपडेट हो जाएगा क्योंकि हाइपर OS रेडी है। और इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें अभी सिक्योरिटी पैच है वो आपका 23 अक्टूबर 2023 का ही है। तो हो सकता है ये अपडेट हो और उसके बाद अपडेट होने के बाद तो अपडेट होने के बाद जो है इन द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स इसको देखते हैं कि क्या आपको मिलता है। और जो अब हम लोग आ जाते हैं इसके कैमरा पे, तो इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का आईसेल सेंसर मिल जाता है।
और इसमें आपको जो फोटोज है तो फोटो तो आपको जो कुछ मैंने फोटो में क्लिक की है तो इसमें जो है हम लोग आपको कुछ फोटो दिखाते हैं तो फोटो जो है वो काफ़ी क्लियर आते हैं। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, काफ़ी जो फोटो जो काफ़ी क्लियर है। और उसके बाद अगर बात कर लें इसका वीडियो का, तो इसमें आप तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको 1080p में और 1080p तक में 30fps 60fps तक का सपोर्ट मिल जाता है, और 4K में आपको 24fps और 30fps तक दोनों का सपोर्ट मिल जाता है जो ये बैक कैमरा है। और अगर फ्रंट कैमरा का बात कर ले तो फ्रंट कैमरा में जो है आपको 1080p 30fps 1080p 60fps और बस यानी मैक्सिमम 1080p 60fps तक का जाता है। और ये काफ़ी जो है काफ़ी स्टेबल भी है क्योंकि इसमें जो है आपको OIS और ES दोनों का सपोर्ट है, इसका स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है। और इसके अलावा आपको इसमें और भी डिफरेंट मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आपका नाइट मोड है, फिर आपका और भी टाइम लैप, स्लो मोशन, शॉर्ट फिल्म, ये लॉन्ग एक्सपोजर मोड्स काफ़ी मोड्स है, फिर आपका 200 मेगापिक्सल मोड है जो कि आपका काफ़ी अच्छा मोड है। अभी हम उसको टेस्ट करेंगे जब हम इसका कैमरा टेस्टिंग करेंगे। और फिर डॉक्यूमेंट्स मोड भी है जिससे कि आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटो जो है डायरेक्ट उसको स्कैनिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कैमरा का। और अगर मैं बात करूँ हम लोग को इसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन में काफ़ी हम लोग को फोन सही लगा। और जिसका अगर जो प्राइस है वो जो इसका लोएस्ट वेरियंट है वो इसमें स्टार्ट होता है आपका 8GB + 256GB जो आपका 35,000 का पड़ता है। और ऑफर्स के साथ आपको ये अराउंड 32,000 और 33,000 का पड़ेगा। फर्स्ट सेल आपको 10 जनवरी को होगा, तो आप लोग मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू Redmi Note 13 Pro Plus 5G का। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इसमें अभी मैं और भी जो इसके सीरीज के और भी फोन है, जैसे कि ये Redmi Note 13 Pro और ये जो है Redmi Note 13, और इसमें Redmi Note 13 में गोल्डन कलर का भी फोन है जिसको हम लोग आप लोग को जब लेके आएंगे। तो जाके भी दोनों वीडियोज को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक्स, नए अनबॉक्सिंग के साथ, नए रिव्यू से। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।